अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएनजे आज आपके लिए कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं आपको फ्रीज़ करना बताऊँगी, किस तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बना कर रख लें, कोई अचानक आ जाए आप फटाफट इसकी ग्रेवी तैयार करें और जो है उसमें आप कोफ्ते डाल दें। बहुत जल्दी अगर आपके पास बने हुए हों तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं एक अपने चैनल पे ऑलरेडी कोफ्ता पुलाव की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी इन्हीं कोफ्तों से मैं आपको दो तरह की ग्रेवियाँ बनाना बताऊँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी हम आपको कोफ्ते बनाना सिखाते हैं, तो चलते हैं कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, हम कोफ्ते बना रहे हैं। मैं ये कोफ्ते बना के आपको फ्रीज़ करके दिखाऊँगी। आधा किलो कीमा है, आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, जो भी, हम इस वक्त बीफ ले रहे हैं। हाफ कटोरी हरा धनिया है, 50 ग्राम चने हैं, रोस्टेड चने जो कहलाते हैं ये वो हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, एक छोटी प्याज आधी, और ये इतनी बड़ी अदरक का टुकड़ा, ये हम अभी जब कीमा पीसेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। और ये अदरक, ये हरी मिर्च और ये प्याज हरा धनिया हम ऊपर से डालेंगे। इसको भी मैं एक दफ़ा जब हम इसे पीस लेंगे तो इस अदरक को डाल के भी मैं एक दफ़ा ब्लेंडर चला दूंगी। बारीक नहीं करना, मोटी मोटी रखना है। इसको हम शुरू में करेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। तो सबसे पहले हम चने पीस लेते हैं और फिर मैं आपको इसमें मसाले डाल के दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने चने पीस लिए हैं और मुझे बाद में ख्याल आया कि मेरी जो मशीन है उसमें ड्राई एंड वेट दोनों होता है, तो मैंने वो जो एक आधी प्याज थी और अदरक जो मैं कह रही थी कि मुझे बारीक चाहिए, वो भी मैंने इसके साथ ही पीस ली है। अब इसमें हम ये नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। ये जो अदरक है वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, ये हरा धनिया, हरी मिर्च और ये जो चॉप हुई हुई प्याज है ये हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इसे एक इसमें से पानी निकाल दें। ये देखिए इस तरह करके इसमें थोड़ा बहुत जो पानी होता है ये इसमें से निकाल दें इस तरह करके। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो बाकी चीज़ें हैं ये जब हम चॉप कर लेंगे, इसे चॉपर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे, तो फिर हम इसमें से इसको निकाल देंगे। देखिए थोड़ा बहुत पानी है, मैंने वैसे ही स्ट्रेनर पे रखा हुआ था, छन्नी पे, तो पानी उसका निकल ही चुका है, लेकिन फिर भी जो मामूली सा भी इसमें पानी हो तो हम वो निकाल के बिल्कुल ड्राई इसको पीसेंगे। ये लीजिए नाज़रीन, ये देखिए अच्छा खासा इसमें से पानी निकल आया जो हमने इसको कर दिया है। अब हम इसको चॉपर में चलाएंगे और फिर मैं चॉपर में चलाने के बाद आपको ये हरा मसाला और प्याज मिला के और कोफ्ते बना के दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं सिवाय हरी मिर्चों के, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कोफ्तों में, और क्योंकि मैं UAE में रहती हूँ और यहाँ पर ये अलाउ नहीं है, यानी खशखाश और इंग्लिश में पॉपी सीड जिसे कहते हैं, तो हम उसका अल्टरनेट इस्तेमाल करेंगे। और उसका अल्टरनेट है बादाम, बादाम या काजू, आप कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल बारीक पिसे हुए बादाम हैं जो मैं इसमें एक टेबल स्पून भर के शामिल कर रही हूँ। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मेरी तरह आपको भी नहीं मिलते तो आप इसकी जगह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें, अगर आपके पास बादाम पिसे हुए वैसे नहीं हैं तो आप उसको जिस वक्त आप चने पीस रहे हैं तो उसके साथ पीस सकते हैं। तकरीबन एक टेबल स्पून भर कर आप साबुत बादामों को तो नापेंगी तो वो इतना ही पिस के हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप खशखाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी चनों के साथ पीस लें आप, तो बिल्कुल बारीक हो जाती है। एक चीज़ जो खशखाश के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कि उसमें रेत बहुत होती है। अब इसमें मैं आपको दो चीज़, एक सॉफ्ट बनाने के लिए एक चीज़ ये है कि आप दो टेबल स्पून इसमें तेल शामिल करें और दो टेबल स्पून ही पानी, इससे आपके कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको हम
मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, ये मिक्स हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा तेल या पानी, पानी से बेहतर तेल रहता है, ये देखें इस तरह इसको बहुत अच्छे से दबाना है। साइज़ आप के अपने ऊपर है, आप छोटा साइज़ लेना चाहें छोटा ले लें, एक स्टैंडर्ड साइज़ मैं आपको बना के बताऊंगी। इस साइज़ के हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप जब फ्रीज़ कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे कोफ्ते। लीजिए नाज़रीन, कोफ्ते तैयार हो गए हैं, फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनको थोड़े थोड़े फासले पे रखें ताकि ये चुपके नहीं, तो यहाँ चुपक जाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फ्रीज़ करने के बाद आप इसे किसी बैग में करके आराम से रख सकते हैं काफ़ी दिन में, आप 1 महीने तक रख सकते हैं फ्रीज़र में, और जितनी ज़रूरत हो उतने निकाल के आप पका लें। तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।